हेलो एंड वेलकम बैक गाइस आज हम पढ़ेंगे मार्केशिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं मार्केशिया के बारे में सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं हम सबको पता है कि मार्केशिया जो है वो ब्रायोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है इसकी क्लास है हिपेटिकऑपसीडा ऑर्डर मार्केशियल्स और फैमिली मार्केशिया ए सी एल्स जहाँ पर आता है हमें पता है ना ऑर्डर होता है वो और ए हम फैमिली के लिए यूज़ करते हैं ब्रायोफाइटा ऑप्सिडा मार्केशिया और मार्केशिया मार्केशिया जो है उसे हम लीवर वॉट भी बोलते हैं इसकी लीवर जैसी शेप के लिए इसे हम लीवर वॉट भी बोलते हैं औक्रेंस अब क्योंकि मार्केशिया जो है वो ब्रायोफाइटा के अंदर मिलता है तो ब्रायोफाइटा से आपको क्या याद आ रहा है डैम्प शेडी और प्लेसेस थोड़ी सी गीलेदार जगह पर ये लोग पाए जाते हैं मार्केशिया ठीक है दिस ग्रोज इन मोइस्ट शेडी एंड कूल प्लेसेज यूजअली बाय द साइड ऑफ वाटर कोर्सेज स्ट्रीम्स एक्सेट्रा और मंगेस्ट ग्रासिस ऑन रॉक्स ओल्ड वॉल्स ऑफ हाउसेज अंडर ब्रिजेज एंड ऑन ओल्ड ट्री ट्रंक्स एक्सेट्रा मेन बात यह है कि मार्केशिया जो है वो मोइस्ट, शेडी और कूल प्लेसेस पर ग्रो करता है लाइफ साइकिल एक्सटर्नल मोरफोलॉजी देख लेते हैं तो मार्केशिया की जो लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेंट फेज गेमिटोफिटिक फेज होता है जो कि हेप्लॉयड होता है गेमिटोफिटिक फेज होता है जो कि हेपेलॉयड होता है एंड दिस इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स विदाउट म्यूसिस म्योसिस दट इज रिडक्शन डिवीजन सो विदाउट अंडर गोइंग

दो कोटम दो डटम डाकोटम अच्ली ब्रांच का मतलब होता है कि आपको दो इस तरह से डिवीजन मिलेंगी ब्रांचिंग के अंदर दो डिवीजन मिलेगी आपको हर जगह पे इसका मतलब होता है डाइकोटम अच्ली ब्रांच ठीक है डोरसल सर्फेस डोरसल सर्फेस की अगर हम बात करें तो सपोज दिस इज द डोरसल सर्फेस ऑफ मार्केशिया तो इसके अंदर हर जगह पर आपको मिड ड्रिप देखने को मिलेगी इस तरह की एक पूरे सर्फेस पर मिड ड्रिप आपको देखने को मिलेगी और इसके पास आपको जगह जगह पर गैमा कप्स देखने को मिलेंगे डोरसल सर्फेस पर नियर द मिड्रीव यू विल फाउंड गैमा कप्स स्कैटर्ड ऑन द डोरसल सर्फेस मिड्रेव इज द थेस्ट रीजन एंड इट ग्रेजुअली थिंस टूआर्ड्स द एजेस टू बिकम वन सेल लेयर थिक थिकेस्ट रीजन है ये मिड्रीव लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोइंग पॉइंट्स ये जो टिप्स होते हैं इन्हें हम ग्रोइंग पॉइंट्स बोलते हैं तो जैसे जैसे ये एडज की तरफ इन ग्रोइंग पॉइंट्स की तरफ जाएगा ये मिड्रीप थिन होती रहेगी नीचे से थिक और टुआर्ड्स द एडज इट विल थिन

लेट इन द लाइफ मे नॉट बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ मेकिंग द ब्रांचेज लुक नॉट क्वाइट टाइकोटमस ठीक है जी नेक्स्ट हम गैमा कप्स की बात करें तो गैमा कप्स जो है वो डोरसो सर्फेस पर रैंडम मोशन में स्कैटर्ड मिलते हैं एंड दीज आर लिटल ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैमा कप्स दीज आर लिटल ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर देखो ना ना इसको अगर आप जूम करोगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एक देखने को मिलेगा कपलाइक स्ट्रक्चर -like होते हैं ये ग्रीन कलर के कप लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है नेक्स्ट गमीटोफोर्स गेमिटो फोर्स इन द अप्रोप्रिएट सीजन द ग्रोइंग टिप्स प्रोड्यूस अपराइट शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांचेस कॉल्ड गेमिटो फोर्स जब इनका फेवरेबल सीजन होता है तो जो इसकी ये वाली ऊपर वाली टिप्स होती हैं, ये कुछ गेमिटो फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं गेमिटो फोर्स मतलब गेमिट्स ठीक है तो गेमिटो फोर्स जो है वो इनकी यहाँ इस वाली टिप से प्रोड्यूस होते हैं द प्लांट इज डाइशियस दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट आर डिस्टिंक्ट मार्केशिया का जो प्लांट होता है वो डाइशियस है यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं गैमिटो क्या होंगे एंड थ्रीडियो फोर इफ इट इज अ मेल प्लांट एंड इट इफ इट इज अ फीमेल प्लांट ये हमने बात करी वेंट्रल सर्फिस की सॉरी डोसल सर्फिस की अब हम बात करें वेंट्रल सर्फिस की तो वेंट्रल सर्फिस कैसा दिखता है इसका अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे मार्किशिया पोलीमोर्फा का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें ए में फीमेल प्लांट है और बी में मेल प्लांट है तो आर्किगोनिया इसमें शो किया हुआ है देखो ये हागी मार्केशिया uh, का थैलेस ठीक है यहाँ पे ये डायकोटमस्ली ब्रांचड है ठीक है यहाँ से इसके ग्रोइंग टिप्स पे से क्या निकल रहे हैं गेमिटियोफोर जब क्योंकि ये फीमेल प्लांट है तो इसमें फोर बनेगा ये आर्किगोनियोफोर हो गया एक स्ट्रोकलाइक सा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर जो है ये लोब्यूल्स प्रेजेंट है जिसे हम Archegonia बोलते हैं इसी तरह मेल प्लांट के अंदर डायकोटोमसली ब्रांच से फोर की फॉर्मेशन होगी और यहां पर आपको मिलेगा एंथ्रीडिया ठीक है अब हम इसकी वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं तो वेंट्रल वेंट्रल सरफेस भी डायकोटोमसली ब्रांच डी होगा ये कुछ इस तरह का हम वेंट्रल सरफेस लगा लेते हैं इसके अंदर भी मिड रिब होगी एक बात और जो मार्केशिया होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो उसका वेंट्रल सरफेस होता है वो नीचे वाली लैंड से चिपका हुआ रहता है और वेंट्रल सरफेस पर हमें राइजोइड्स और स्केल्स देखने को मिलते हैं वेंट्रल सरफेस पर आपको राइजोइड्स और स्केल्स देखने को मिलते हैं राइजोइड्स भी इसमें दो टाइप के होते हैं ये सपोज दिस इज अ वेंटल सर्फेस ठीक है इसके ऊपर आपको दो तरह के राइजोइड्स मिलेंगे और दो तरह के इसके अंदर स्केल्स मिलेंगे वेंट्रल सर्फेस जो है वो काफी थिक होता है इसके अंदर जो मीडियम रिज या फिर जो हम कह रहे हैं मिड रिब ये जो रीजन होता है ये काफी थिक रीजन होता है इसके अंदर लेस पिगमेंटेड होता है वॉयलेट या फिर ब्राउन कलर में ठीक है जी इसके बाद जो यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है राइजोइड्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी दो टाइप के होंगे दो टाइप के राइजोइड्स हमें मिलेंगे स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेटेड बुक में से पढ़ते हैं राइजॉइड्स भी दो टाइप के हैं स्मूथ वॉल्ड वोल्डोइड और स्मूथ वॉल्ड ये थिक होते हैं और स्मूथ वॉल्स होती हैं इनकी इस तरह की जैसे ये एक राइजोयड्स है तो इसकी स्मूद होती है और ट्यूबरक्यूलेटेड है पेग लाउट आउटग्रोथ निकली आती हैं इस तरह ये होगा स्मूथ वोल्ड राइजॉयड्स और ये वाला होगा ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स ठीक है जी नेक्स्ट स्केल्स भी इनके अंदर दो टाइप्स के होते हैं मिड रिब साइड ऑफ मिड रिब ऑन वेंटल ऑफ थेलस टू टू थ्री लॉन्गिटूडनल रोज ऑफ स्केल्स और एम्फी गेस्ट्री आर फाउंड सेमिल्यूलर इन शेप ये भी दो टाइप्स के होते हैं लाइग्यूलेट स्केल्स और अपेंडिकुलट स्केल्स लाइग्यूलेट स्केल्स जो होते हैं ये टंग लाइक आउट ग्रोथ होते हैं इनकी टंग लाइक शेप के होते हैं ये इस तरह की इनकी शेप होती है और ये काफी सारे पेरेंटाइमा सेल्स का बना होता है इस तरह की शेप होते हैं लाइग्युलेट स्केल्स की और नेक्स्ट इज अपेंडेज स्केल्स अपेंडेज स्केल्स जो है इनकी वेजलाउट आउट वेज लाइक आउट होती है या फिर आप हाफ मून शेप्ड भी कह सकते हो इस तरह के जो है होते हैं अपेंडेज स्केल्स और ये काफ़ी सारे सेल्स के बने होते हैं दिस इज द काइंड ऑफ अपेंडेज स्केल्स ठीक है इट हैज एन अटैचिंग बेस अ ब्रॉड फ्री बॉडी एंड अ नेक एंड अ लोब और अपेंडेज अटैच्ड टू इट नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्केल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं तो स्केल्स का क्या फंक्शन होगा अब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ग्रोइंग टिप्स को इसके बाद दिस प्रोटेक्ट द डेलिकेट वेंट्रल सर्फिस ऑफ थैलस अगेंस्ट फ्रिक्शन दे इन ट्रैप वाटर ड्रॉप्स बिटवीन दैम विच होल्ड ऑन टू दैम दस प्रिवेंटिंग डेसिकेशन ऑफ थैलस इन द ड्राई सीजन ये कुछ फंक्शंस हैं स्केल्स के नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तो अगर हम इसका मार्केशिया का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर दो रीजन होते हैं एक ये ऊपर वाला रीजन और एक ये ये वाला नीचे वाला रीजन इस रीजन को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक या फिर रेजिमिलेट्री रीजन और ये जो नीचे गया गया। 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 वाला रीजन होता है इसे हम कहते हैं स्टोरेज रीजन जो ये ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक और रेजिमिलेटरी रीजन होता है इसके अंदर हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जैसे ये काफी सारे स्केल्स है ना सिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है हर सेल के अंदर इस पर एपिडर्मिस मिलेगी आपको एक और इसके अंदर जो है एयरपोर्ट प्रेजेंट होंगे बैरल शेप्ड एयरपोर्ट प्रेजेंट होते हैं अपर एपिडर्मिस पे थिन वोल्ड सेल्स होते हैं ये और सेप्टम से डिवाइडेड होते हैं ठीक है एसिमिलेटरी रीजन के अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो सारा फूड जो है यहीं पर मैन्युफैक्चर होता है और वो फूड यहाँ पर बनने के बाद नीचे वाले रीजन में ट्रांसफ़र होता है जो कि ये स्टोरेज रीजन है और यहाँ पर वो फूड मटेरियल स्टोर होता है यहाँ पर आपको कुछ स्टार्च के सेल्स भी मिलेंगे स्टार्च सेल्स और ऑयल सेल्स भी आपको स्टोरेज रीजन के अंदर ही मिलेंगे इसके नीचे आपको मिलेंगे राइजोइड्स और स्केल्स दो तो टाइप के राइजोइड्स और दो टाइप के स्केल्स सो दिस वॉज वी एस दैट इज वेंट्रल सेक्शन ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया थ्योरी में देखें तो फोटोसिंथेटिक रीजन में हमें वही अपर एपिडर्मिस मिलेंगे एयर पोर्स मिलेंगे इसके बाद हमें फोटोसिंथेटिक uh, रीजन में एसीमिलेटरी चैम्बर होगा जो कि एयरपोर्ट से कम्युनिकेट कर रहा है फ्लोर ऑफ एसीमिलेटरी चैम्बर स्टोरेज रीजन में हमें मिलेंगे स्टोरेज टिश्यूज जो कि फूड को स्टोर करेंगे ऑयल सेल्स स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे लोअर एपिडर्मिस और दो टाइप्स के राइजर्स और दो टाइप्स के स्केल्स सो दिस वाज योर मोफोलॉजी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग